नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के थाना मोहकमपुरा के अधीन आते इलाके में एक मोटरसाइकिल सवार नौजवान को कार ने मारी टक्कर, नौजवान की मौके पर हुई मौत। अमृतसर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सात लूटपाट की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के सरगना सहित चार सदस्यों को किया काबू। 10 मोबाइल फोन, 2 लोहे के दातर और 1 मोटरसाइकिल किया बरामद। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने 24 घंटों के भीतर एक अंधे हत्या का मामला सुलझाया, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर के थाना मोहकमपुरा के अधीन आते इलाके से एक मामला सामने आया है, जहां काम पर जा रहे एक मोटरसाइकिल सवार नौजवान को पीछे से आ रही कार ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं इस हादसे संबंधी बात करते हुए मृतक के पारिवारिक सदस्यों ने कहा कि मृतक अमृतसर के चमरंग रोड से मोटरसाइकिल पर गुजर रहा था कि तभी उसके पीछे आ रही एक नशे में धुत शराबी कार चालक ने उसे टक्कर मार दी और गाड़ी भगाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि मौके पर मौजूद लोगों ने कार चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, लेकिन पुलिस उस कार सवार की मदद में लगी हुई है और कोई कार्रवाई नहीं कर गई। वहीं पारिवारिक सदस्यों ने कहा कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वे रोष प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं इस संबंधी थाना मोहकमपुरा के SHO सरमील सिंह ने कहा कि उन्होंने इस घटना संबंधी मामला दर्ज कर दिया है और जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम अवनिंदर सिंह है जी। तो मेरा अपना भोई का बेटा सी जो कल अपना शाम इतने तारा अपना जरा अपना बार वड्डा हाईवे है जी, चमरंग रोड के थले उतों जा रहा है जी अपने काम कार के सिलसिले के, जितने अपना पिछों एक वेन्यू गड्डी जिदा कि नंबर गुरदासपुर का जी, उन्होंने पिछों हिट किया जरा कि अपना हिट करने के बाद मुंडा जो सा डिग पाया तो वो उपरों गड्डी चढ़ा के उतों बंदे भज गए। मौके तो भजन तो बाद जी फिर मतलब उस तो बाद उतों जे राहगीर ने उन्होंने फड़ के काबू करके इन्हों उ फिर मतलब दबोचया। दबोचन तो बाद फिर पुलिस को पेश मतलब फड़ाया जी। तो हूँ मतलब मान लो इस चक्कर के बंदे ने शराब भी पूरी पीती हुई है जो गड्डी चला रहा, तो जोड़ा को पसेंजर वो अपने मूँह सिरे सूँ इतने दसदा जी कि भी मैं असी नाल बैठे से दारू पीते पे सके जी। तो उस तो बाद मतलब मान लो साडा फिर असी मतलब मान लो साढ़े को गड्डी चढ़ गई है मुंडे के उपर, तो उस तो बाद असी भज गए हैं। तो यह हूँ पुलिस कहती है जी असी इनू फड़िया तो साढ़े मतलब मान लो दोवें गलों से फर्क यह है जी कि मतलब मान लो अपना ये साढ़े लिए तो फिर हिट एंड रन वाला मसला जी। तो हूँ मतलब मान लो जी इन्होंने धारा के अंदर परचा दिता 106 वो मतलब मान लो यदि मौके तो इतने थाने तो जमानत हो जानी है, जो कि साढ़े लिए मतलब मान लो अभी विक्टिम फैमिली हाँ, सूँ ये चीज़ मतलब एडमिजेबल नहीं है जी। असी मतलब इस चीज़ का साडा रोस है, साढ़े ना मतलब न्याय नहीं होया जी। मतलब मान लो साडा बच्चा चला गया, साडा भरा चला गया और मतलब मान लो कल्प्रिट जरा रात की दारू लत्थी है। उम्र से जी उन्होंने जिन्होंने डैथ हुई है 40 साल उन्होंने मतलब एज सी जी। एक बेटी है जी 5 साल की उन्हों की। तो मतलब मान लो जिस तरह हैंड टू माउथ चलने वाली फैमिली है जी, मतलब मुंडा मुंडा डेली अपनी ब्रैड अर्न करता तो शाम को खाता जी। ये अपनी बाइक से सगा जी, अपना स्पलेंडर मोटरसाइकिल जी उत्ते आ रहा है जी। हाँ जी, रुमाला साहब अपना डिलीवर करता से, रुमाले साहब का काम से गुरु साहब पोशाक जीडिया होंगे जी, उस सिलसिले के मतलब मान लो अपने काम लिए जा रहा है। तो जिस दौरान मतलब आते जाते पिछों हिट किया, तो मतलब मान लो मुंडा जो सा मौके पर मतलब डैथ हो गई है। मंग असं यही करते जी, साढ़े ना मतलब न्याय होना चाहिए जी। मतलब मान लो असं तो अपने आप ठगे महसूस करते पे हैं जी, साडा मतलब मान लो जो राइट्स बनते हैं साढ़े लिए, तो मतलब मान लो साढ़े भरा का कातल है जी। मान लो उन्हें बंदा थले दिता जिन्होंने कोई मतलब अकल ही नहीं, जरा बंदा कहता जी मैं अपने होश वास्ते नहीं गा, रात वो दारू लत्थी है जी। हूँ सवेरे बंदा अपना आराम ना बैठा है, सवेरे असं आए हैं तो वो बयान लै रहे हैं बाहर प्राइवेट कमरे से बैठा के अपना सैल तो बाहर कड़ के, तो उसे मेरे को वीडियो भी हैगी जी फोन से उन्होंने बिठाया हुआ से साडे आंदा। फिर इन्होंने फटाफट उन्होंने अंदर मतलब जेल च पाया फटाफट कि भी वो आ गए ने। तो बाकी साड़ी मंग यही है जी भाजी इनू मतलब मान लो इदा जो साडा भरा जिन्हें मतलब जिंद जान ली है तो यह बंदा अजदा ही चल जाए, मतलब मान लो ये कहते जी अवेलेबल ऑफेंस थाने तो बेल हो जानी है, जो कि सानू इदा लगता जी फिर फरदर 90 डेज़ के पुलिस चलान पेश करूगी। तो 90 डेज़ हूँ गुरदासपुर का बंदा, असं अमृतसर के रहने वाले हैं जी, असं व्यापारी बंदे मान लो असं कितों ध्यान देवे जी, यदा इनू कितों लभेंगे असं। यह मान लो उन्होंने 90 दिनों के अगर बाहर चला जाता है, देश छड़ जाता, असं की कर लाँगे जी, साढ़े को असं कितने लभेंगे इनू।
मेरा नाम परमदीप सिंह हैगा जी, मैं चंडीगढ़ का निवासी हैगा। मेरा यह मासी का बेटा लगता सीगा। जो मैनू पता लग्या हैगा जो मेरे हाथ में एफ आई आर आई है, तो एफ आई आर के जो हकीकत सीगा उद बहुत फर्क नज़र आ रहा है। जो ये कह रहे हैं कि पुलिस वाले कि असी उन्हों जड़ा है मौके दे विच पड़ा, जो एफ आई आर दे विच भी ये लिख रहे हैं कि जो उस बंदे ने इंसीडेंट किया है जो सिर के उपरों टायर निकल गया तो यह गड्डी खड़ा के बैठ गया बंदा, जबकि हकीकत विच जो सानू पता लग्या है उधर के जड़े चश्मदीद बंदे भी सीगे उन्होंने यही किया है कि वह बंदा जड़ा है दौड़ गया सी, अगे रस्ता नहीं सीगा तो एक जगह तो वह रुक गया तो उधर फिर इन्हों लोगों ने पकड़ के पुलिस के हवाले किया। तो जो एफ आई आर है और जो हकीकत है वो बिल्कुल ही मेल नहीं खा रही हैगी है, सानू उस चीज़ वास्ते जस्टिस चाहिए जी। ड्रिंक भी की हुई थी जी, उस बंदे ने ड्रिंक की हुई है, हले भी वो 8 घंटे बीत गए हैं, 12 घंटे बीत गए हैं, बट हले भी वो होश च नहीं है वो बंदा, तो उन्होंने बाहर बिठा के उसकी सेवा की जा रही थी जी। तो वो जो कि सानू वो चीज़ गवारा ही नहीं लग रही हैगी कि क्यों ये चीज़ा हो रही हैं। असी जो हो सकता अपने वालों हायर अथॉरिटी वाल अपील करांगे, जो बन सकता आप करांगे, जो प्रोटेस्ट भी करना पिया तो असी डेफिनेटली असी प्रोटेस्ट वाल भी जावांगे, जिस जे दरवाजे से असी खटखटाना तो आप उत्थे जावांगे ही जावांगे, जो हो सकता होएगा असी अपने वालों पूरा करांगे, बट सानू इंसाफ चाहिए जी। जाना जान देना चाहते उस बंदे दी जिदे जिदा एक 5 साल का छोटा जिहा बच्चा हैगा, ब्रेड अर्नर एक कल्ला हैगा फैमिली दे विच, जे उसका हुण अगे रोज़ी रोटी का की हैगा, सानू दस्या जाए कि अगे साडे लई उसदे वास्ते उसदे परिवार वास्ते अगे की हैगा, वो किवें कर पाणगे, अगे गुजारा किवें करनगे। कल हाँ जी एक एक्सीडेंट होया सी कल जी, कार दा ते मोटरसाइकिल दा, उहदे च गुरप्रीत सी लड़का एक, पुत्र मनोहर सिंह, इहदी डैथ हो गई सी। कार चालक जिहड़ा उह जतिंदर सिंह सी, सन ऑफ रणबीर सिंह, कोट जोगराज दा रहण वाला कानून वाले, ते कानून अनुसार बनदी कार्रवाई जिहड़ी उह कर दित्ती गई है, परचा दर्ज हो गया। कार वाला कित्थों दा हैगा सी सर? इह कार वाला कानून आंदा जी, जोगराज सिंह कानून वाला। सर ने कोई ड्रिंक वगैरह कीती हुई सी? हाँ जी, उन्हां दा मैडिकल करवाया सी जी। अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्डर के दिशा निर्देशों पर बुरे तत्वों और लूटपाट करने वालों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत अमृतसर के थाना सुल्तानबिंद की पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब पुलिस की ओर से अमृतसर शहरी और ग्रामीण इलाकों में लूटपाट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से लूट के मोबाइल फोन भी बरामद किए। इस अवसर पर जानकारी देते हुए डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर आलम विजय सिंह ने कहा कि गत दिनों एक व्यक्ति के पास से दातक दिखाकर उससे मोबाइल फोन और पैसों की लूट की गई थी, जिसके चलते थाना सुल्तानबिंद की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अमृतसर शहर और अमृतसर देहात में 7 लूटपाट की वारदातों को अंजाम देने पर गिरोह के सरगना सहित कुल 4 सदस्यों को काबू कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस पार्टी द्वारा सभी पहलुओं से मामले की जांच करने के बाद लूटपाट करने वाले 4 व्यक्तियों अर्शदीप सिंह उर्फ केला, लवप्रीत सिंह उर्फ बुग्गा, शमशेर सिंह उर्फ शीदी और कुलजीत सिंह उर्फ साबी को सुल्तानपिंड इलाके से गिरफ्तार किया गया और इनके पास से लूट के 10 मोबाइल फोन, वारदात में इस्तेमाल किए गए 2 लोहे के दातर और एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ। तो वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि इन आरोपियों को माननीय अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। कंप्लेनेंट साधुराम ने दस्या कि उन्होंने दातर मार के डरा धमका के उन्होंने को स्नैचिंग की है, तो उन्होंने जो पुलिस को इनफॉर्म किया तो असी मुकदमा दर्ज किया, 120 नंबर मुकदमा थाना सुल्तानबिंद। तो मुकदमा दर्ज करने तो बाद मानयोग कमिश्नर साहब गुरप्रीत सिंह भुल्लर साहब के निशा दर्ज हेठ असी टीम्स बना के ते स्नैचर नू फड़िया, ते जो पहले एक स्नैचर नू फड़िया अर्शदीप सिंह और स्केला नू, उहदे नाल होर भी असी 3 स्नैचर होर फड़े जिन्हां ते अर्शदीप केला ते 4 मुकदमे दर्ज सीगे,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾਦਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਸੀਗੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਨਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸ ਡੀ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਸਨੈਚਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ 101 ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਹੈਗਾ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਥਾਣੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਾਡਾ ਟਰੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਦੋਂ ਅਟੈਂਪਟ ਹੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੈ 2 ਦਾਤਰ 1 ਰੋਡ ਅਤੇ 1 ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ 10 ਸਪਲੈਂਡਰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨੈਚਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਵੀਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦ ਹੈਗਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਡੀ ਟੀ ਆਫਿਸ ਪਤਾ ਕਰਕੇ पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा की उपस्थिति में जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने 24 घंटों के भीतर एक अंधे हत्या के मामले को सुलझा लिया है। तो इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर ने बताया कि पुलिस थाना भार्गव कैंप को दुर्गा शक्ति मंदिर द्योल नगर जालंधर के पास एक मोटरसाइकिल सहित एक सिख नौजवान की लाश मिली थी। उन्होंने बताया कि पुलिस पार्टी ने मौके पर पहुंचकर जांच की लेकिन मृतक व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। उन्होंने कहा कि जिस कारण पुलिस ने अज्ञात लाश को सिविल अस्पताल जालंधर भेज दिया। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से मृतक के परिवार को ट्रेस किया गया। यही उन्होंने बताया कि मृतक की बहन गगनदीप कौर ने बयान दिया कि उसे संदेह है कि उसके भाई की हत्या कर लाश को फेंका गया है। वहीं उन्होंने कहा कि जांच के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान सूरज कुमार और गौरव कुमार उर्फ गोरा दोनों निवासी भार्गव कैंप जालंधर के रूप में की है। उन्होंने बताया कि इसके बाद दोनों को पुलिस ने अपराध के 24 घंटों के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। जालंधर ग्रामीण पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन में इंटर डिस्ट्रिक्ट लूट गिरोह की 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से वैध हथियार मोटरसाइकिल एयर पिस्तौल प्रिंटर और चोरी की गई वस्तुएं बरामद की हैं। तो वहीं सूचना मिलने पर लोहिया पुलिस ने कर राम सिंह के अंडर रेलवे पुल के पास एक स्थान पर छापा मारा जहां गिरोह के सदस्य राहगीरों को लूटने की तैयारी में थे। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान कंग कालन सनी कुमार हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी गुरशरण सिंह और रोहित के रूप में हुई है। पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान 1.32 बोर की देसी पिस्तौल 2 मोटरसाइकिल 1 एयर पिस्तौल 1 प्रिंटर और 3 स्मार्टफोन बरामद किए। तो वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरकमलप्रीत सिंह खख ने कहा कि 4 आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार किया गया जबकि 1 आरोपी जो पहले फरार हो गया था बाद में उसे भी पकड़ लिया गया। वहीं उन्होंने कहा कि गिरोह का संबंध जालंधर और आसपास के जिलों में कई अपराधों से जुड़ा हुआ है जिनमें चोरी रंगदारी और हिंसक लूटपाट शामिल है। जांच में ये भी पता चला कि वे डिलीवरी बॉय प्रवासी मजदूरों और यात्री लोगों को अपना निशाना बना रही थी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। जिला जालंधर के मानयोग SSP सरदार हरकमलप्रीत सिंह खख जी वालों जिला जालंधर देहाती दे एरिए लुट खोह डकैत व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने एक स्पैशल मुहिम चलाई गई है जिदे तहत SP मैडम जसरूप बाट IPS जी की निगरानी हेठ थाना लोहियां सब डिविजन शाहकोट के मुख्य अफसर इंस्पैक्टर यादविंदर सिंह की अगुवाई में एक वड्डी सफलता हासिल की है। इन्होंने कल एक इनफॉर्मेशन आधार पर एक वड्डे गैंग का पर्दाफाश किया जिदे 5 दोषियों ने हुण तक गिरफ्तार किया जिदे दोषी जीता पुत्र अनेक वासी कंकला समी सनी कुमार पुत्र जगजीत राम वासी खोसा पिंड हरप्रीत सिंह और हैप्पी वासी खोसा गुरशरण सिंह शरणा वासी तलवंडी सलीम ते रोहित पुत्र बलजीत वासी थाना सुल्तानपुर लोधी। इन्हों व्यक्तियों ने एक गैंग बनाया सी। इन्होंने थाना लोहियां शाहकोट सुल्तानपुर एरिए कुल 11 वारदातों करने बारे इकबाल किया जिन्होंने अजमान 4 दोषियों अजमान योग अदालत पेश करके इन्हों का पुलिस रिमांड हासिल किया ते एक दोषी अज गिरफ्तार किया। इन्हों पासों एक देसी पिस्तौल 32 बोर एक जिंदा राउंड 2 मोटरसाइकिल बिना नंबरी मार्का स्पलेंडर एक स्पलेंडर प्रो एक एयर पिस्टल एक प्रिंटर लेजर
ਤੇ 3 ਮੋਬਾਈਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਹੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा की अगुवाई में जलंधर कमिश्नरेट पुलिस ने शहर में लूटपाट की 13 वारदातों को सुलझाते हुए एक भगोड़े अपराधी को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके दो साथियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर ने बताया कि गत दिवस मकसूदा चौक जालंधर में दातर के साथ लूट की घटना घटित हुई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले के दो आरोपी वरुण और बिनी की पहचान पहले ही पुलिस द्वारा की जा चुकी थी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस मामले में नामजद तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उन्होंने कहा कि आरोपी की पहचान अंकित निवासी जरंधर के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि इन तीनों की गिरफ्तारी से पुलिस ने शहर के विभिन्न इलाकों में की गई इनकी 13 अन्य स्नैचिंग वारदातों का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने आरोपियों के पास से 13 मोबाइल फोन, एक स्कूटर और एक दातर बरामद किया है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ कमिश्नर ऑफ पुलिस जालंधर, जालंधर पुलिस ने स्नैचर्स के अगेंस्ट कार्रवाई करते हुए एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। सानू कंप्लेंट आई सी कि सनी वालों, जो कि सन ऑफ नरेश कुमार है, शहीद बाबू लाल सिंह नगर का, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮਕਸੂਦਾ ਚੌਂਕ ਪਹੁੰਚਿਆ 11:50 ਤੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਨਨੇਮਡ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਾ ਰਾਈਡਰਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 1+ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨੈਚ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIR ਨੰਬਰ 130 ਦਰਜ ਕੀਤੀ 6/9/2024 ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 309(6), 118(2), 3(5) BNS ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਜੁਵੀਨਾਈਲਸ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗਾ ਅੰਕਿਤ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 26/9/2024 ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਸਤੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਮੰਡਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 13 ਸਨੈਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਡ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਾਤਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹੀ ਹੈ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ 13 ਐਸੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਕਮਿਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਕਿਊਜ਼ਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा की अगुवाई में जालंधर पुलिस कमिश्नरेट ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए शहर में वारदातों को अंजाम देने वाले 2 स्नैचरों को 48 घंटों के भीतर काबू किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर ने बताया कि गत दिनों भीमजी पैलेस दीपनगर जालंधर के पास एक महिला से चेन छीनने की घटना घटी थी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की, तो वहीं उन्होंने बताया कि उसी दिन एक महिला सब इंस्पेक्टर की सोने की चेन भी छीन ली गई थी और अन्य भी स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दिया गया था। उन्होंने कहा कि आरोपियों की पहचान रोहित निवासी फगवाड़ा और मोहम्मद आफ्ताब निवासी जालंधर के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि 48 घंटों के भीतर ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे 2 सोने की चेन और 1 जोड़ा सोने की बरामद हुई है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। माँ भगवती सेवा संघ द्वारा न्यू जवाहर नगर पार्क जालंधर में माता की चौकी का आयोजन बड़ी ही धूमधाम से किया गया, तो वहीं इस कार्यक्रम की शुरुआत महंत अश्विनी शर्मा द्वारा गणेश वंदना को गाकर की गई। इस अवसर पर भव्य संकीर्तन का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक ललित मोहन सोनवाल एंड पार्टी कुल्लू चंबा वालों ने माता की भव्य भेंटों और भजनों से भक्तों को भाव विभोर किया। इस आयोजन में विशेष रूप से दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने माँ की जोत के आगे नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त किया और माँ भक्तों माँ भगवती सेवा संघ की समिति द्वारा श्री विज को सम्मानित भी किया गया। इसके साथ ही शहर की अन्य प्रमुख हस्तियों ने भी इस कार्यक्रम में शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किए। इन प्रमुख हस्तियों में समाज सेवक और
उद्योगपति रिकी सैगर श्री गीता मंदिर मॉडल टाउन के डिस्पेंसरी इंचार्ज अजय लाली चंदन गरेवाल इकबाल सिंह ढींसा पूर्व विधायक रजिंदर बेदी श्री देवी तालाब मंदिर के कोषाध्यक्ष पविंदर बहल भाजपा ग्रामीण अध्यक्ष अमरजीत सिंह अमरी पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया अश्विनी चड्डा अशोक भंडारी नरेश सहगल और दिनेश सहगल भी शामिल थे। वहीं माँ भगवती सेवा संघ के सदस्य राजेंद्र सहगल अशोक अग्रवाल अनिल अग्रवाल मुनीश पुरी पुनीत पुरी और अन्य ने इस आयोजन में विशेष भूमिका निभाई। इस अवसर पर भक्तों में प्रसाद रूपी लंगर भी वितरित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। तू सब्जी चोली पर दी बुरा तो पूरी।
ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਏ फ्रेंड्स, ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन और बबरीक चौक बस्ती शेख रोड चरणधर की ओर से 21वां वार्षिक जागरण वीर बबरीक चौक में बड़ी ही धूमधाम से किया गया, जिसमें महंत पंकज ठाकुर एंड पार्टी, राजू पठानकोटिया एंड पार्टी ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस अवसर पर कपिल कोहली एंड पार्टी ने भगवान शिव की सुंदर झांकियाँ प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, पूर्व विधायक रजिंदर बेरी, श्री गीता मंदिर मॉडल टाउन के डिस्पेंसरी इंचार्ज अजय लाली, समाज सेवक ललित जोशी, आप नेता राजू मदान, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट करतारपुर के चेयरमैन सुभाष शर्मा, पूर्व पार्षद संदीप वर्मा, आप नेता राजकुमार राजू, एडवोकेट संजीव बाली, राजीव बाली, संदीप बाली, पप्पी चंचल, रमेश चंद्री ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर आशीर्वाद दिया। इन सभी आए हुए माँ भक्तों को एसोसिएशन के चेयरमैन राजकुमार मदान, प्रधान राकेश भारद्वाज ने मां की चुनरी एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर चेयरमैन राजकुमार मदान, प्रधान राकेश भारद्वाज, सरप्रस्त प्राणा चड्डा, चेयरपर्सन राकेश महाजन, उप प्रधान आदित्य सोनी, कैशर विजय बजाज, राजेश संतल, उप प्रधान अरविंद मोहन, महासचिव ज्योति प्रकाश सी, उप प्रधान
प्रधान दीपक तनेजा, एडिटर बलविंदर सिंह, स्टेट सचिव तिलुक राज, प्रेस सचिव संदीप कुमार, उप प्रधान दीपक भल्ला, उप सचिव विवेक खन्ना, प्रेस सचिव लकी पपनेजा, उप चेयरमैन दीपक चावला, एडवोकेट संदीप वर्मा, किशन लाल पपनेजा, हर्ष मेहंदी रत्ता, गुरु कृपाल सिंह, सुरेश पंडित सहित अन्य सदस्यगण भी शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। फैलाए हाथ जिसने भी तेरे
तुझे देते नहीं देखा मगर चोरी भरी देखी वो सालों उस जग जंगलों उसने क्या पर इंसान ने चोरी जरूर कभी देखी है वो मुरादा नाल खुशियां नाल करी नहीं गल शरदा ने मुकदी है नारायण सेवा समिति एवं नारायण संकीर्तन महिला मंडल जालंधर की ओर से सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के श्री राम हॉल में चल रही श्री राम कथा की आठवें दिन की शुरुआत पूजन के साथ हुई। तो वहीं इस कथा की शुरुआत करते हुए श्री काशी धर्मपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नारायणानंद तीर्थ महाराज जी ने उपस्थित श्री राम भक्तों को कहा कि जीवन के हर संशय का समाधान श्री राम कथा करती है। वहीं उन्होंने कहा कि रामचरित मानस में 9 दिन में 9 प्रश्न हैं, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर 9 दिनों में दिए जाते हैं। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, माँ बंगलामुखी धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज व पतंजलि चिकित्सालय टांडा रोड के संस्थापक सोमदत्त कौरदीय, पूर्व पार्षद भूषण कोहली, सेवादार राजू शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किए। इस मौके पर बलविंदर यादव, पवन सूरी, राजकुमार सूरी, साहिब सिंह, रमन शर्मा ने विशेष रूप से शामिल होकर आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर प्रधान हरे कांझा, कैशर भगवान दास, पूर्व प्रधान एवं पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी अजय मल्होत्रा, अशोक मेहरा, वेद प्रकाश, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता तेज प्रताप, अशोक शर्मा, मनोज मिश्रा भी शामिल रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ संदीप शर्मा की रिपोर्ट। आप कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए आगे आए और कार्यक्रम को गति प्रदान करें। आज की 8वें दिन की रामकथा की संध्या पर हमारे बीच में श्री शीतल विज जी, मुख्य संपादक दैनिक सवेरा हलचल चैनल और प्रधान श्री देवीतला मंदिर प्रबंधक कमेटी हमारे बीच में पहुंचे हैं। इनके साथ हमारे बड़े भाई साहब श्री सोमदत्त कालिया जी, महामित्र पतंजलि मेगा स्टोर देवीतला मंदिर के सामने जो है वो भी आए हैं। मैं इनका श्री देवीतला मंदिर प्रबंधक कमेटी, नारायण सेवा समिति और नारायण महिला संकीर्तन मंडली की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। अचल चैनल को हमारे रोज ही सर्विस दे रहे हैं भाव जी। पहले दिन जो स्टेज जी को भेजकर उन्होंने शुरुआत की थी और तब से ही हलचल चैनल और दैनिक सवेरा में बढ़ चढ़ कर जो लोग कहीं किसी कारण नहीं जा पहुंचते, इनके माध्यम से घरों तक ये महाराज जी की आवाज़ भावे
चाहते हैं, सभी लोग अपना प्रवचनों के द्वारा अपना जीवन सफल कर रहे हैं। मैं अब निवेदन करूंगा इनको भी आगे आए और मंच के आगे आकर महाराज जी के जलपान का पूजन का शुभारंभ कराएंगे। गुरु चरण कमले भ्यो नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। सूर्यो अजायत श्रोतरात वायुश्च पराणश्च मुखा अग्निराजायत। ओम शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा आत्मज्योति प्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। प्रवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरां सर्पात् स्पृतवाति यातिष्ठत्ता शांडूलं पुरुख एवे धर्मो सर्पञ्जत भूतं गच्छा भाप्रियन्ना उता प्रेत तपस्ये शानो जनन्ने नाति रोहति एतावानस्या महिमा तोजिया यावश्च पुरुखाः पादोऽस्यब्दशदा भूतानि त्रिपादस्या भ्रेतं दिवि त्रिपादोर्ध्वा उदयत पुरुखाः पादोऽस्ये आभवत् पुनः ततो विक्रम विकरा मत्साशाना दशने अभि श्रीमतानी पाद्यर्घाचमनी यस्नानी अपुनराचमनी जलम समर्पयामि परम गद्धानोलेपनम समर्पयामि अक्षतानि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि दूर्वाकुरण बिलपत्राणि समर्पयामि धूपं दीपां ओमा चंद्रमा अप्स्वन्तरा सुपर्णो धावते दिवि रयिं पिशङ्गं बहुलं पुरुषमृहत्मो दक्षिणां समर्पयामि दक्षिणान्ते प्रदक्षिणापूर्वं नमस्काराणि समर्पयामि। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य महास्वामी अनंतम अभिवादनम समर्पयामि। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, हत्या I'm gonna make it.
सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट और चड्डा बिरादरी की ओर से चेयरमैन श्यामलाल चड्डा की अगुवाई में चन्नी और पूरी का लंगर लगाया गया। तो वहीं इस लंगर का शुभारंभ रामकिशन चड्डा, जेपी चड्डा और ओम प्रकाश चड्डा की ओर से किया गया। इस अवसर पर ट्रस्ट और चड्डा बिरादरी के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। वहीं चेयरमैन श्यामलाल चड्डा की ओर से मुख्य मेहमानों और समूह सदस्यों का धन्यवाद किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि लंगर हर रविवार को लगाया जाता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद रूपी लंगर ग्रहण किया। जालंधर से हलचल गिरी कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जय बाबा जी। आज दिन 29 तरीक बाबा जी का दिन ऐतवार चड्डा बरादरी और श्री सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट वालों लंगर का शुभारंभ किया गया। और मैं सारे श्रद्धालुओं बारे बेनती करूँगा कि तकरीबन जड़ा जदों का अपना मेला चालू आ हर संडे लग रहा, अगले संडे भी लगेगा। और मैं सारे श्रद्धालुओं कहूँगा कि आके अपना बाबा जी के नतमस्तक होन और बाबा जी का लंगर ग्रहण करन। जय बाबा जी, जय बाबा। बोलो अंकल। जय बाबा सोडल। मैं श्याम चड्डा चड्डा बरादरी का चेयरमैन मंदिर परिसर तो बोल रहा। अज लंगर का आयोजन चड्डा बरादरी सिद्ध बाबा प्रकाश वालों किया गया। लंगर का शुभारंभ साढ़े सीनियर चड्डा बरादरी के मैंबर रामकृष्ण चड्डा जी, जे पी चड्डा जी, ओम प्रकाश चड्डा जी ने अपने कारनम हत्थों नाल किया। मैं इन्हों का तिना का बड़ा आभार प्रकट करता। इदा ही मंदिर परिसर लंगर लगते रहन, इदा ही चड्डा बरादरी जिन्हें नुमाइंदे रखे जाएगा। मैं समूह चड्डा बरादरी के नुमाइंदियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता। जय बाबा सोडल, जय बाबा। श्री कालिका धाम ज्योतिष विद्यालय जालंधर में दिव्य ज्ञान दुख निवारण चंडी महायज्ञ किया गया, जिसमें मां महाकाली का दिव्य झूला लगाया गया। इस दौरान दूर दूर से भक्त आकर मां का पूजन एवं हवन यज्ञ में भाग लेकर कष्टों से मुक्ति पा रहे हैं। इस अवसर पर धाम के संस्थापक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य इंद्रदेव बबलू पंडित ने बताया कि हर शनिवार को सायं 6 बजे यज्ञ शुरू होता है। जो भक्त सच्ची श्रद्धा लेकर यहाँ आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। ये यज्ञ माँ के आदेश से निःशुल्क किया जाता है। इस करवाए गए हवन यज्ञ में इंद्रदेव बबलू पंडित ने आए हुए अतिथियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर धाम के मुख्य सेवादार संजीव शर्मा, कुकर्ण रोहित शर्मा, पंडित संजय, पंडित पंकज, पंडित हरिओम, पंडित सुशील, ज्योतिषाचार्य गौरव सहित असंख्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। ये झूठ बोल के करना अच्छा है या फिर ईमानदारी से अपनी मेहनत की कोई छोटी सी फीस लेके आपकी पत्रिका देख लेना, वो सही है ना। हमने कहा था एक बार हम कोई सिस्टम रखेंगे, थोड़ा समय का अभाव रहता है कि एक दिन घंटा दो घंटा ही कोई रखें, फ्री वाला भी सिस्टम जिसमें कोई वाकई निर्धन होता है, नहीं होते पैसे के लिए तो अपना पूछ सके। वो तो अभी भी कहते हैं कि आप किसी के पास नहीं है तो एक आध दो चार बार चौकी भरो और यहाँ पूछो आप मेरे से, तो मैं बताऊँगा आपके बारे में। हाँ, लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं मैं पर्सनल मिलूँगा, मुझे चाहिए भी नहीं तो मैं अपना काम छोड़ करके है ना बाकी जो नित्य नियम है घर परिवार पालना बैठूंगा, तो फिर तो वो तो अलग विषय है। समस्या क्या है, पब्लिक सबके सामने सुनना भी नहीं चाहते लोग। मैं तो कहता हूँ शनिवार पूछो, फिर बताऊँगा मैं सारे यहाँ बैठ के शनिवार को पूछो, दो चार बार चौकी में, एक बार में तो बारी तो नहीं आ जाएगी आप, बताऊँगा। लेकिन हाँ, पर्सनल मिलना है वो करना है तो वो तो फिर अलग विषय है ना। और फीस के अलावा ना कभी ये कहा जाता है यहाँ पे रात तू 20,000 रुपया 25,000 दे मैं तेरा कोई ऐसा कर दूंगा। हमने कभी किसी को कहा मुझे दे 50,000 रुपये मैं तेरा ऐसा करता हूँ? कभी नहीं कहा। कोई उपाय भी होता है तो 1,000-2,000 रुपये में उपाय होते रहते हैं। उन सबसे बड़ी चीज ये है जो आप चंडी में करते हो, इसकी पावर हमने देखी है, इसलिए मैं करवाता हूँ कि आप ना चाहे कभी जो मन से बैठा उसके लिए तो कल्याण, जो जबरदस्ती भी बैठा है तो कल्याण उसका भी होगा, कहीं ना कहीं उसका हो रहा है, कुछ रास्ते साफ हो रहे हैं। हो सकता है आज नजर ना आए, कल वो रास्ता नजर आए, बन रहा है रास्ता। वो हर जगह कहीं भी विधि से, नियम से, श्रद्धा से, बिना किसी लालच के अगर ऐसी चीजें आयोजन अनुष्ठान करवाए जाते हैं तो हर कार्य सफल हो जाता है। आप मनुष्य के बच्चे हो, दुनिया में सब कुछ कर सकते हो, उतनी कोशिश मेहनत जोर लगाते रहे, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जो इंसान हिम्मत हार गया तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता, वो सबसे हार गया। इसलिए माता रानी पे यानी परमात्मा पे, अपने इष्ट में और अपने आप पे हमेशा भरोसा होना चाहिए, है ना, कि मैं कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस।
ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, ये करूँगा, एक दिन होएगा मुझसे। और मैं बताऊँ एक प्रत्यक्ष चीज, आप जिस तरह सोचते रहते हैं, जो प्लान अक्सर करते रहते हैं, जिस तरह आपका शौक हो जाता है, तो ये मैं आपके सामने सबूत बैठा हूँ, आपके जीवन में वो चीज़ें सामने आके एक दिन खड़ी हो जाएगी। माँ बंगला मुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्बापिंड चौक चालंतर में साप्ताहिक दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमान प्रवीण से पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, नवग्रह पूजन उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियाँ डलवाई गई। तो वहीं हवन यज्ञ में पूर्ण आहुति उपरांत आए हुए भक्तजनों से अपनी बात कहते हुए माँ बंगला मुखी धाम के सेवादार नवजीत भारद्वाज ने कहा कि इंसान सुख के लिए संसार में भटकता है, सांसारिक माया मोह में सुख खोजता है, लेकिन माया के जाल में उलझ जाता है। जीवन में सच्चा सुख तो ईश्वर की शरण में मिलता है। वहीं उन्होंने कहा कि मानव जीवन का प्रथम और अंतिम लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति। इस अवसर पर श्वेता भारद्वाज, पूनम प्रभाकर, सरोज वाला, रूपम प्रभाकर, कमलजीत सिंह, अमृतजीत सिंह, राकेश प्रभाकर, अमरिंद्र कुमार शर्मा, बाबा हलचल, बलदेव सिंह सहित भारी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। वहीं हवन यज्ञ उपरांत विशाल लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। मां बंगला मुखी धाम गुलमोहर सिटी महारानी विराजमान है, मां के चरणों में आज मासिक हवन यज्ञ होया। उस हवन यज्ञ दे विच सारे दूरों दूरों दुनिया ने आके हवन यज्ञ होतिया पा के अपना मां का आशीर्वाद लिया अते लंगर प्रसाद दी प्रथा जिदा जाती है। मासिक सारा लंगर प्रसाद चलन लगा। सारे बेनती है माँ के अगर चरणों से नतमस्तक हो के माँ का आशीर्वाद लो, तो लंगर प्रसाद जरूर छको, माँ के चरणों में जुड़े रहो, अपने सनातन धर्म की जय बोलो। जय कराए बंगला मुखी मैया जी का साचे दरबार की। आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर जालंधर में साप्ताहिक हवन यज्ञ करवाया गया। इस अवसर पर मुख्य यजमान मनीष सहगल, कनिका सहगल, प्रवीण बत्रा और नीना ने हवन यज्ञ में विशेष आहुतियाँ डाली। इस दौरान यज्ञ ब्रह्म पंडित आचार्य सूरज राणा ने पवित्र वेदों का जाप कर यज्ञ को संपन्न करवाया। इस मौके पर स्वामी प्रवीण देव ने विशेष तौर पर पहुंचकर अपने प्रवचनों के माध्यम से उपस्थित श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन किया। तो वहीं आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायक सोनू भारती और रवि पोडवा ने भक्ति में भजनों के साथ उपस्थित संगत को मंत्रमुग्ध किया। आर्य समाज के महामंत्री हर्ष लखनपाल ने मंच का संचालन किया। आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य ने आयुई संगत का धन्यवाद किया। इस अवसर पर ओम प्रकाश मेहता, उपेंद्र उपाध्याय, विजय कुमार चावला, चौधरी चंद, सुनीत भाटिया, अनु आर्य, केदारनाथ शर्मा, हजारी लाल शर्मा, नलनी उपाध्याय, बैचनाथ, वेद प्रकाश भाटिया और अन्य शहरवासी भी शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। कौन बच सकते संसार को, जो डूब नहीं रहने, जो बचे वही बचा सकते इस संसार को। तो आर्य समाज एक ऐसी संस्था है जो अपनी मां के तरह सारे संसार का ध्यान रखता है। और महर्षि स्वामी दयानंद जी ऐसा कहते कि संसार को आप सर्वश्रेष्ठ दीजिए और वही सर्वश्रेष्ठ आपके पास लौट के आएगा। यानी जो भी आप करने वाले हैं और वो शुभ और असल में आपको मिलने वाला है, चाहे आज मिले चाहे कल मिले, मगर मिलना एकदम कंफर्म। तो आइए उस ईश्वर का ध्यान करते हैं और अधिक संक्षिप्त में शब्दों रूपी पुष्पों का अर्घ देते हुए आप सबका एक बार स्वागत करते हैं। हमारे विघ्न मेहता साहब भी हैं, अपने परिवार के साथ बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। जैसे इन्होंने अभी कहा कि जो ऋषि है वो सृष्टि तो नहीं बदल सकता लेकिन दृष्टि को बदल सकता है। यही एक आर्य समाज का मंच है जहां आने से आपको शुद्ध वातावरण, शुद्ध उच्चारण, क्योंकि यहाँ कोई लाखों रुपए देकर हमारे बीच में जो वक्ता आते हैं ऐसे नहीं है, बहुत निम्न परिवारों
से निकले हुए धार्मिक सोशल और पढ़े लिखे वक्ता आते हैं और ये सुनी सुनाई बातें नहीं, इन्होंने एक्चुअली रीड किया हुआ है। अगर कोई संस्कृत का श्लोक बोलता है तो इनको पता है। आर्य समाज में एक ऐसा स्थान है हमारा, जैसे जैसे हम आते हैं मन में ऐसे उच्चारण शुरू हो जाता है, कोई मंच से गलत बोलता है तो नीचे से बैठने वाला बोल देता है कि ये उच्चारण गलत है आपका। सो इस तरीके से ये श्रृंखला बन जाती है और आपके व्यक्तित्व में सुधार अवश्य आता है। आचार्य प्रवीण जी हमारे बीच में है तो मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ प्रवीण जी से प्रार्थना कर समझने के लिए हमें दर्शन एक दृष्टि देता और वो दृष्टि महर्षि पतंजलि अपने योग दर्शन में समझाते हुए कहते हैं, योगस चित्त वृत्ति निरोधा। हम बार बार इस संसार में जन्म ले रहे हैं और बार बार इस संसार से फिर अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जा रहे हैं। इसका क्या कारण है कि हमें बार बार इस संसार में आना पड़ रहा है, फिर इस शरीर से छूट करके चले जाते हैं। ये जो चक्र है क्यों चल रहा है, ये प्रश्न हम सभी के मन के अंदर आता है और उस प्रश्न को हम गंभीरता पूर्वक नहीं लेते। यही एक मुख्य कारण है कि हम उसी चक्र में लगभग करोड़ों वर्ष, हम प्रभु श्री राम के काल में भी हो चुके हैं और श्री कृष्ण जी के काल में भी हो चुके हैं, यानी निरंतर हम करोड़ों वर्ष से जन्म लेते आ रहे हैं। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर के थाना मोहकमपुरा के अधीन आते इलाके में एक मोटरसाइकिल सवार नौजवान को कार ने मारी टक्कर, नौजवान की मौके पर हुई मौत। अमृतसर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सात लूटपाट की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के सरगना सहित चार सदस्यों को किया काबू, 10 मोबाइल फोन, 2 लोहे के दातर और 1 मोटरसाइकिल किया बरामद। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने 24 घंटों के भीतर एक अंधे हत्या का मामला सुलझाया, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल नादोकट।